दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिए, शानदार कर दिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल कर दिए। जितनी रेता चोरी हो रही है इसमें सारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, एमएलए सारे शामिल हैं। ये रेता चोरी बंद करेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में रेता चोरी का जितना पैसा मंत्रियों की जेब में जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये रेते का सारा पैसा महिलाओं की जेब में जाना चालू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब दा दौरा कर रहे ने। अज उन्हां उम्मीदवार डॉक्टर रवजोत सिंह दे हक च रैली विच पहुंच के उन्हां नूं संबोधन करदिआं कहा कि पंजाब च होना चाहिए जो दिल्ली विच लोकां दे फायदे लई उन्हां ने कीता, फिर चाहे वह बिजली होवे, चाहे वह स्कूल या फिर औरतां, सब नूं बराबर दा हक मिलना चाहिए। अब आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हाथ खड़े करके बता देना। दिल्ली जैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दिल्ली के सरकारी अस्पताल पहले बहुत खराब थे, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाई की खिड़की नहीं खुलती थी, जितनी डिस्पेंसरी है उनमें ताला लगा रहता था, डॉक्टर अस्पताल में आते नहीं थे, अस्पताल की एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन कोई काम नहीं करती थी। आज आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिए, शानदार कर दिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल कर दिए, और दिल्ली के हर आदमी का इलाज फ्री कर दिया। अगर आपको घर में कोई भी बीमार होता है, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे एक क्रोसिन की टेबलेट लेनी हो, चाहे 70-80 लाख का ऑपरेशन कराना हो, सारा इलाज मुफ्त है, सारे दिल्ली के लोगों के लिए पूरा इलाज मुफ्त है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अस्पताल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पंजाब के हर पिंड में क्लिनिक खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? पंजाब के हर बच्चे का, हर माँ का, हर बेटी का, हर बाप का, हर भाई का इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरा इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में करा ऐसे पंजाब में भी करेगी। लोगों के बिजली मुफ्त कर दी, होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कट रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त खोरी कर रहा है, होनी चाहिए मुफ्त खोरी नहीं होनी चाहिए? ये टीवी चैनल वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर दो, ये टीवी चैनल में दिखा देंगे, दिखा दो जरा कैमरे मोड़ के दिखा दो, सबको बिजली मुफ्त चाहिए। बिजली मुफ्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री चन्नी ते दोष लगाउंदिआं कहा कि हल्के विच शरेआम नजायज माइनिंग चल रही है ते आप दे सत्ता विच आउण ते इसदी जांच करवाई जावेगी। रेत माफिया नाल चरणजीत चन्नी दी मिलीभुगत है। उन्होंने यह भी कहा कि 20,000 करोड़ दी नजायज माइनिंग हुई है, जिस विच साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते होर विधायकां दी मिलीभुगत सी। चन्नी साहब के हल्के में परसों अवैध रेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग, उनके हल्के में रेता चोरी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चन्नी साहब को नहीं पता रेता चोरी हो रही है? पता तो होगा, पैसा भी ऊपर तक जाता होगा नहीं जाता होगा? बता दो हाथ खड़े करके, पैसा ऊपर तक जाता ही नहीं जाता है? जितनी रेता चोरी हो रही है, 20,000 करोड़ रुपए की रेता चोरी हो रही है पंजाब के अंदर, 20,000 करोड़ रुपए की जितनी रेता चोरी हो रही है, इसमें सारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, एमएलए सारे शामिल हैं। ये रेता चोरी बंद करेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, रेता चोरों को जेल भेजेंगे, ये 20,000 करोड़ रुपए बचाएंगे, और ये जो हजार हजार आपको दे रहा हूं ना, ये 10,000 करोड़ में ही काम चल जाएगा, तो रेता चोरी से ही सारा काम आपका पूरा हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी जितना पैसा पंजाब में रेता चोरी का जितना पैसा मंत्रियों की जेब में जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये रेते का सारा पैसा महिलाओं की जेब में जाना चालू हो जाएगा।
इस तो इलावा औरतों के मुद्दे ते उन्हां बोलदे हुए कहा कि भ्रिष्ट लीडरां दी जेब चो पैसा कढ़वा के औरतों दे खाते विच पाउणगे। बाकी उन्हां गंदे कपड़िया दे सवाल ते जवाब दिंदिया होया कहा कि मेरिया मावां जदों 1000 रुपए नाल वधिया सूट खरीदणगियां उन्हां नूं लगेगा कि उन्होंने वधिया कपड़े पा लए। उन्हां कहा कि औरतों का सशक्तिकरण हर हाल विच करवा के रहांगा। अगर एक घर में 3 बहने हैं, एक माँ है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000-1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए। आदमी भी हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए आपके घर के महिलाओं को, नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कट रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दे कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए से। माइक है यहां पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा, चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितनी मेरी मां बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद केजरीवाल? पसंद है, फिर ठीक है। मैं यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिलवाला हूं। मेरी नीयत साफ है, मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन 1000-1000 रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो सारी आज यहां से शुरू हो रहा है, पूरे पंजाब में, हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। चढ़दी कला, टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।